भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत का दौर जारी है। आज भी दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथी बैठक चल रही है। ये बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशूल में आयोजित है। आखिर इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और चीन के बीच हालात को सुधारने के लिए कई दौर की बैठक चली। कई बैठकें बेनतीजा रही तो कुछ बैठकों में तनाव खत्म करने पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच अब हालात तेजी से सामान्य होते नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में आज भी दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच एक और बैठक हो रही है, जो चौथी बैठक है। खैर, ये बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू हो चुकी है और लद्दाख के चुशूल क्षेत्र में आयोजित हो रही है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत का दौर जारी है। इससे पहले तीसरे दौर की बैठक 30 जून को लद्दाख के चुशूल में ही की गई थी। हालांकि इस बार की बैठक थोड़ी खास मानी जा रही है और वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर चल रही तनातनी कम हुई है। चीनी सेना गलवान में फिंगर फोर से पीछे हट गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सामान्य होते हालात के बीच दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की ये पहली बैठक है। इस बार की बातचीत का एजेंडा सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों और शस्त्र हटाने को लेकर होगा। इसके साथ ही पेंगोंग लेक से और पीछे हटने पर भी बात होगी। फिलहाल वो फिंगर 5 पर रुके हुए हैं और इसके साथ ही हालात को स्थिर करने के लिए सभी विवादास्पद क्षेत्रों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही अभी तक सैन्य वापसी के लिए जो फैसले लिए गए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे इसको लेकर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। खैर, बैठक में किस मुद्दे को लेकर चर्चा होती है और क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, ये तो बैठक खत्म होने के बाद ही पता लग पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।